हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाबंद, सत श्री अकाल। मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। इसमें दोस्तों आरआरबी की तरफ से 11 अप्रैल को आया नोटिस, और जिसमें बताया गया कि सीबीटी टू का जो रिजल्ट, जो रिवाइज रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया था, वो कर दिया गया है कैंसिल। तो बहुत सारे लोगों को ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि कैंसिल हो जाने की वजह से अब एग्जाम जो उनका 16 अप्रैल को होना था वो अब 16 अप्रैल को नहीं होगा, बल्कि वो डेट बढ़ जाएगा। और इस तरीके से लड़कों में काफी फ्रस्ट्रेशन है कि जो भी उनकी तैयारी थी, जो जिसके लिए उन्होंने पूरा टाइम टेबल सेट करके रखा था, अब उसमें उनको करना पड़ेगा चेंजेस, और धीरे धीरे ये डिले होता हुआ पूरा एक साल का टाइम जो भी एग्जाम प्रक्रिया शुरू हुआ था पिछले साल फरवरी में, अब एक साल से ज्यादा हो चुका है और अभी भी फाइनली सिलेक्शन किसी का भी हो नहीं पाया है। और अभी भी डाउट है लोगों के मन में कि क्या जो लोग पास है वो अभी भी पास रहेंगे या फिर फेल हो जाएंगे, जो लोग फेल है वो फिर अभी भी फेल रहेंगे या फिर पास हो जाएंगे। तो बहुत सारा दिक्कत आप सामने आ रही है। तो ये नोटिफिकेशन जो आया है, एक्चुअली हमें उसे पढ़ना होगा और उसमें जानना होगा कि चीजें दी क्या गई है, और साथ में हम ये जानेंगे कि जो रिवाइज रिजल्ट है वो किस बेस पे इसे कैंसिल किया गया है, क्यों कैंसिल किया गया इस जो रिजल्ट आया हुआ है, या फिर जो रिवाइज रिजल्ट आंसर की है उसे दोबारा जारी किया जाएगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट जो होना था आपको 16 अप्रैल को वो अब नेक्स्ट टाइम में कब होगा और किस डेट में होगा, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे क्या फेल छात्र हैं जो वो पास हो सकते हैं, क्या चांसेस हैं उनके कि वो पास हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर इस तरह के कोई चांसेस है तो डेफिनेटली हम उस पर डिस्कस करेंगे, और इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक देखिएगा, सारी डिटेल जो होगी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन और आरआरबी से जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के यहाँ पे पल पल की खबर आपको दी जाती है और आपको अपडेट कराया जाता है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, और शेयर दोस्तों के साथ करिएगा ताकि इसकी जानकारी सारे दोस्तों को होनी चाहिए। और क्योंकि कंसर्न होता है एक चीज को लेकर कि आपका एग्जाम है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हो, बट इस तरह का न्यूज सुनकर थोड़ा सा दुख होता है। तो डेफिनेटली दुख की तो बात है ही है, बट कुछ लोगों के लिए खुशी की भी बात होगी, क्योंकि अगर जो छात्र एक दो मार्क्स से फेल हुए हैं ना, तो उनके लिए चांस है, थोड़ा सा उनके लिए चांस है कि वो पास हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में लिखा क्या गया है। तो ये है नोटिफिकेशन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जिसमें लिखा गया है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट शेड्यूल ऑन 16/4/2019। जी बिल्कुल, जो आपका 16 अप्रैल को जो आपका टेस्ट था उसे कर दिया गया है पोस्टपोन। एग्जैक्टली कब होना है एग्जाम इसकी जानकारी तो इसमें नहीं दी गई है, लेकिन देखते हैं क्या बेसिक जानकारी दी गई है इसमें। तो यहाँ बताया गया है कि 5 अप्रैल को आपका जो रिजल्ट आउट किया गया था उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी को रिलेटेड, एग्जाम जो ट्रांसपेरेंसी को बरतने के लिए एवरी स्टेज पे जो भी रिक्वायरमेंट था उसमें कैंडिडेट को उनके सारे डिटेल को प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिली है जो कैंडिडेट की तरफ से रिस्पांस दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि आफ्टर पब्लिशिंग द रिजल्ट आरआरबी हैव रिसीव्ड सर्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स पर्टेनिंग टू द आंसर की। तो आंसर की को लेकर कैंडिडेट में थोड़ा सा असमंजस था, और उनका कहना यह था कि आंसर की जो जारी किया गया है फाइनल आंसर की उसमें सही तरीके से उसे जारी नहीं किया गया, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो थे, जो रॉन्ग क्वेश्चन थे, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है, यानी उन्हें इग्नोर नहीं किया गया है। इस तरीके से कैंडिडेट का अपना व्यू दिया गया था, और इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल स्कोर, और जो एक्चुअल स्कोर जो बताया गया था उसमें भी उन कैंडिडेट को लेके कंसर्न था कि एक्चुअल जो स्कोर बताया गया था वो भी सही नहीं था, कुछ कैंडिडेट के जो मार्क्स थे उनका एक्चुअल स्कोर से कम था। तो आखिर ये हुआ कैसे, या फिर कुछ कैंडिडेट का बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ गया था, या फिर जो इसके पहले जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसमें भी मार्क्स जो थे कुछ कैंडिडेट के कम हो गए थे पहले वाले मार्क्स के मुकाबले। ठीक है, और इस तरह से नॉर्मलाइजेशन में भी लोगों को भी प्रॉब्लम थी कि किसी किसी का पिछले मार्क्स में आया था 80 और इस बार जो रिवाइज रिजल्ट आया उसमें हो गया कम, तो दोबारा से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसमें अपनाएगी, और दोबारा से जो पार्ट बी के जो कैंडिडेट थे वो कुछ कैंडिडेट जो पहली बार पास हो रहे थे वो हो गए थे फेल मार्क्स कम होने की वजह से। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कैंडिडेट को, और उन्होंने इसके रिगार्डिंग आरआरबी को नोटिस दिया था, एक एप्लीकेशन लिखा था उनके वेबसाइट पे, उनके जो ट्विटर हैंडल अकाउंट होता है वहां पे। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें, आरआरबी ने भी ये मान लिया कि यहाँ पे एरर्स देखने को मिला है आंसर की में, जिसकी वजह से उसने इस आंसर की को कर दिया है नेगलेक्ट, और दोबारा से एक्चुअल स्कोर को जारी किया जाएगा। ठीक है, और दोबारा से आंसर की भी आपके लिए जारी किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर दोबारा से आंसर की अगर आता है
दोबारा से अगर आंसर किया जाता है तो उसमें होगा क्या कि जो क्वेश्चन इग्नोर नहीं किए गए थे पहले, यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इग्नोर होने चाहिए यानी कि वो रॉन्ग थे, इसके बावजूद उन्हें इग्नोर किया नहीं गया, तो होगा क्या कि जब उन्हें इग्नोर किया जाएगा तो जो कैंडिडेट के एक दो मार्क्स कम होने की वजह से वो फेल हो रहे थे, यानी कि पार्ट बी में अगर वो 34 मार्क्स आ रहा है 35 पे, जैसे क्वालिफाइंग है आउट ऑफ 100, तो उनका एक दो मार्क्स बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा कि वो पास हो जाएंगे। उसी तरह से पार्ट ए में भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो क्वेश्चन रॉन्ग होगा उसे इग्नोर किया जाएगा और आपका मार्क्स वहां पे बढ़ जाएगा, तो थोड़ा बहुत चांसेस बनता है कि जो कैंडिडेट एक दो नंबर से फेल हो रहे हैं वो पास हो सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अकॉर्डिंगली आरआरबी हैव डिसाइडेड टू वंस अगेन चेक द करेक्टनेस ऑफ फाइनल की एंड इवेल्युएशन टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल कैंडिडेट एंड रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस रिव्यू आरआरबी विल पब्लिश द फाइनल की ऑफ दिस फ्यू क्वेश्चन अलोंग विद द रिवाइज्ड स्कोर। तो इस तरीके से इसमें पूरी तरह से ये बताया जा रहा है कि जो करेक्टनेस है फाइनल आंसर की उसे दोबारा से चेक किया जाएगा, और जो क्वेश्चन पे कंप्लेन किया गया है, ठीक है, जो क्वेश्चन पे कंप्लेन किया गया उन क्वेश्चन को फिर से इवेलुएट किया जाएगा, और इवेलुएट करके फेयरनेस के साथ उसका रिजल्ट दोबारा से जारी किया जाएगा। तो इस तरीके से एक फेयरनेस को अपनाने की बात कही जा रही है आरआरबी से, लेकिन एक्चुअल क्या चीज है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है। इन द व्यू ऑफ अबव द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट शेड्यूल ऑन 16/4/2019 इज पोस्टपोन्ड एंड द रिवाइज्ड डेट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अनाउंस शॉर्टली। तो यहाँ पे रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद मतलब जो टेस्ट होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बारे में कोई एक्चुअल डेट नहीं दिया गया है कि कब होगा, मंथ का भी नेम नहीं दिया गया यहाँ पे, लेकिन एक नोटिफिकेशन के बारे में बात किया है कि एक नोटिफिकेशन शॉर्टली आपको जारी किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कब होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, और मेरे ख्याल से ये जल्दी ही जारी हो जाना चाहिए क्योंकि आरआरबी के ऊपर खुद से ही प्रेशर है इस एग्जाम को तुरंत कंडक्ट कराने का, और मे बी ये जो एग्जाम है मिडल ऑफ द मई में हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट आर हियर बाय एज्योर्ड द आरआरबीज वैल्यू एंड इनपुट द इनपुट्स एंड फीडबैक फ्रॉम इट्स कैंडिडेट एंड शैल इंश्योर द कंप्लीट फेयरनेस इन द एंटायर रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो इस तरह से आरआरबी कह रही है कि कैंडिडेट का जो भी वैल्यू है वो आरआरबी समझता है, और एक फेयरनेस की बात कही जा रही है, और इस तरीके से जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है कैंडिडेट को आरआरबी का जो रिजल्ट पोस्टपोनमेंट करने की वजह से, उसके लिए वो रिग्रेट फील करते हैं। तो डेफिनेटली उनको रिग्रेट फील करना ही चाहिए, और इस अगर इतना रिग्रेट फील कर रहे हो तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी देना चाहिए जो भी, क्योंकि इसमें पूरा पेपर चेक करने की बात नहीं करी जा रही है, सिर्फ उन चीजों को चेक किया जाएगा जहां पे कमियां देखी गई हैं, जिस आंसर की वो वंस अगेन चेक करने की बात करी जा रही है, करेक्टनेस ऑफ फाइनल आंसर की जो आया था उसके करेक्टनेस को बस चेक किया जाएगा, ठीक है, और इस तरह से उसे इवेल्युएट करने की बात करें, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा समय उनको नहीं लगना चाहिए, और दोबारा से जो रिजल्ट है उसे जल्दी ही जारी कर देना चाहिए। तो ये था पूरा उनका नोटिफिकेशन, और हमने इसे पढ़ लिया है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत जो कैंडिडेट का जो मार्क्स कम है उसमें उनको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है डेफिनेटली, और अच्छी बात है जो लोग कैंडिडेट फेल हुए हैं उनके लिए, और जो प्रिपेयर्ड कैंडिडेट थे उनके लिए थोड़ा सा दुख की बात है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है ये चीजें। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।